है गाइस, तो सबसे पहले हम पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में इस वाले बैकग्राउंड को ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद गाइस हम इसका टूल्स में जाएंगे और इसका रिसाइज देखेंगे कितना है। तो 709 है, तो हम इसे थोड़ा करके देखते हैं कितना होना चाहिए। तो गाइस यहाँ पे 3258 दिखा रहा है, तो गाइस ये देखते हैं। तो यहाँ पे फिर बाद में दिखा रहा है 2598। तो गाइस हम इसे हमेशा एक कम ही करेंगे, जैसे कि हम 2598 दिखाया था, हम इसे 97 करेंगे और यहाँ से डन कर देंगे। तो गाइस साइज हमारा हमारा फुल हो गया है। तो गाइस सबसे पहले फिर हम दो टूल में इसे एडिट करने वाले हैं, तो हम दो टूल में लेकर जाएंगे इसे। तो दो टूल ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद गाइस ये जो पहला लेयर है, यहाँ पर लेयर में जाके यहाँ से एम्प्टी लेयर लेंगे और ये पहला लेयर पे हम अपना मॉडल पेंजू को यहाँ पर ऐड कर लेंगे, इस वाले फ़ोटो को ऐड कर लेंगे, यहाँ से डन कर देंगे। डन करने के बाद गाइस हम अपने फ़ोटो को इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे, थोड़ा सा थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं इसे। हाँ इस तरह से एडजस्ट करने के बाद हम इसे टैप कर देंगे। टैप करने के बाद गाइस हम फिर यहाँ पर लेयर में जाएंगे, ये पहले लेयर को चॉइस करके इरेजर टूल्स में जाएंगे और इसके साइज वगैरह देख लेते हैं। इसका हार्डनेस तो 60 रखेंगे और ओपेसिटी को हम 95 रखेंगे और साइज को हम 67 रखेंगे, फिर सेट कर देंगे। गाइस ये जो आप देख रहे हैं इसके पैर के सामने सफ़ेद सफ़ेद है, बस इसे थोड़ा हमें इरेज करना है ताकि परफेक्ट एडिटिंग हो। तो गाइस हम इरेज कर रखे हैं, अब आप फोटो देख सकते हो गाइस इस तरह से फोटो है। तो हम फिर ये यहाँ पर सेकंड लेयर में जाएंगे, ये अपना फोटो जो लेयर है इसे हम ऊपर रख के एम्प्टी लेयर लेकर ये सेकंड लेयर में जाएंगे। अब यहाँ से हम ब्रश चॉइस कर लेंगे। ब्रश चॉइस करने के बाद कलर ब्लैक ही रखेंगे हम। ब्लैक रखने के बाद गाइस हम यहाँ से इसके जो हार्डनेस है वो पूरा माइनस कर देंगे, फिर इसकी जो ओपेसिटी है उसे हम 60 रखेंगे। 60 रखने के बाद साइज़ को अपने फ़ोटो के हिसाब से बड़ा छोटा कर लेंगे। फिर गाइस हम इसके साइड साइड से इसके शैडो बनाने वाले हैं। अभी हम थोड़ा तो हम इसे ऐसे इस तरह से लगाएंगे हम। तो गाइस आप देख ही सकते हो कि फ़ोटो में शैडो बन रही है, तो इस तरह से हम पहले शैडो बना। तो गाइस साइज को हमें बढ़ाना पड़ेगा, कैंसिल क्यों हो गया। इस तरह शैडो बढ़ाएंगे, साइज बढ़ा के अब हम इस तरह से अपने फ़ोटो के पीछे पीछे इस तरह से लगा देंगे हम, जिस तरह से लगे कि ये शैडो बन रखा है, बना है रियल शैडो। तो गाइस शैडो बनाने के बाद हम लेयर में जाके यहाँ इसकी ओपेसिटी को हम 40 के आसपास रखेंगे। तो गाइस सही है इतना रखने के बाद से फिर हम यहाँ पे जाएंगे, फिर से हम एम्प्टी लेयर लेंगे। एम्प्टी लेने के बाद गाइस हम ऐड फोटो में जाएंगे और हम PNG यूज करेंगे। तो गाइस मैं इस फोटो में जो PNG लगा रहा हूँ वो सेटर का ही है, जिससे मैंने थोड़ा काट छाट के इसे थोड़ा इरेज किया था और बनाया था इसे। तो हम जाएंगे और इस वाले PNG को हम ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद गाइस हम अपने तो सबसे पहले हम पैरों पर लगाएंगे इस तरह से कि ऐसा लगे कि हाँ ये फ़ोटो शटर के अंदर से निकला हुआ है। तो गाइस इस तरह से हम लगा देंगे हम पहले, इस तरह से लगाएंगे गाइस, फिर बाद में हम इसे डन कर देंगे। डन करने के बाद गाइस हम इरेजर टूल्स में जाएंगे और इसकी जो हार्डनेस है वो माइनस रहेगी एकदम, फिर इसकी ओपेसिटी रहेगी 30 और साइज़ को फ़ोटो के हिसाब से आप बढ़ा लेंगे। तो गाइस फिर हम इसे इस तरह से मिटा देते हैं, पहले तो हम यहाँ से मिटाते हैं इसे। तो गाइस पहले यहाँ पर जाएंगे, इसके ओपेसिटी थोड़ा बढ़ा देते हैं, हम 60 रख देते हैं। तो गाइस आप देख सकते हो तो एक पहला PNG तो हम लगा रखे हैं, उसके बाद फिर से जाएंगे यहाँ पे, फिर यहाँ से हम एम्प्टी लेयर लेंगे और यहाँ से फिर हम इसी वाले PNG को फिर से हम ऐड कर लेंगे गाइस। तो फोटो में जाएंगे और उस वाले PNG को हम ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद यहाँ से डन। डन करने के बाद गाइस इसे हम साइज बढ़ा करके, अरे बहुत बढ़ेगा इसे,
हम इसके अपने इस तरह से रखेंगे हम। फिर गाइस इधर इसमें जाके ऐसे इसी तरह से इसे मिटा देना है गाइस। तो गाइस मैं अब सारे जो जहाँ जहाँ PNG लगने वाली है वहाँ पे मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड में करके दिखाऊंगा, जिससे आपकी वीडियो लेट ना हो और ना ही आपका टाइम वेस्ट हो। तो गाइस अब देख सकते हो कि हमारे जितने भी पेंजिस वगैरह थे सारे हम लगा दिए हम, और ऐसा लग रहा है कि ये हमारा सेटर से फ़ोटो है, सेटर से लगा हुआ फ़ोटो है। तो गाइस अभी भी इस फोटो में रियलिस्टिक से नहीं आए हैं, तो हमें ड्रॉ टूल में जाके, सॉरी गाइस लेयर में जाके अब सभी चीज़ को हम यहाँ पर मर्ज कर देंगे। सारे जितने भी हैं सभी को हम यहाँ पर मर्ज कर देंगे। मर्ज करने के बाद से फिर हम यहाँ पर जाएंगे, एम्प्टी लेयर लेंगे और ये जो सेटर का जो PNG लगाया था उसके हम नीचे रखेंगे और अपने फ़ोटो के ऊपर रखेंगे। तो गाइस यहाँ से ब्लर ब्रश चॉइस करके कलर देखेंगे, कलर तो ब्लैक ही रहेगा सर गाइस शैडो के लिए, तो फिर हम बाद में, हाँ सही है गाइस। तो अब हम इस तरह से अपने फ़ोटो के ऊपर से मारेंगे जिससे हमें हमारा शैडो जो है वो बनेगा। गाइस आप देख सकते हो शैडो बन रहा है सर गाइस, पूरा रियल शैडो लग रहा है गाइस, ये आप देख ही सकते हो आप। अब इसके पैर के में थोड़ा मारना है सर गाइस शैडो बनाने के लिए इस तरह से, आप देख ही सकते हो गाइस कि फोटो कितना मस्त हो रही है। गाइस आप देख सकते हो कि अब हमारा जो शैडो के अंदर से वो कॉन्सेप्ट पूरा रियल लग रहा है। तो गाइस हमें बस यहाँ से जाकर इसकी ओपेसिटी को हल्की से कम करनी है गाइस, 88 रखनी है। फिर गाइस यहाँ से हम इसे डन कर देंगे। तो गाइस हमारा जो पिक्सआर्ट का जो काम था गाइस वो यहाँ पर हो रखा है। अब हमें जो करना है अब जो, तो गाइस पिक्सआर्ट का जो काम था वो हमारे यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब हम इसमें कलर डिटेक्शन करेंगे। तो गाइस हम इसे अब हम लाइट रूम में लेकर जाएंगे। तो गाइस डॉट रूम में जाकर इसे अपने 3D में जाकर सेव इमेज कर लेंगे। हम अपने फ़ोटो को एडिटिंग एप्लीकेशन में ले आ रखे। तो गाइस सबसे पहले हम इसे लाइट्स में जाएंगे, लाइट्स में जाके इसके एक्सपोजर जो इसे हम कम कर देंगे हम -16 के आसपास। इसके कॉन्ट्रास्ट को भी थोड़ा कम करेंगे, कॉन्ट्रास्ट कम करके हाईलाइट को हम इंक्रीज करेंगे, आई के हाईलाइट को बढ़ा देंगे। शैडो को हम भी थोड़ा बढ़ाएंगे इस तरह से। शैडो बढ़ाने के बाद गाइस वाइट को कम करेंगे और ब्लैक को भी कम करेंगे। उसके बाद नीचे वाले टूल्स में जाएंगे और यहाँ पे एड सॉर्ट को हम कस्टम कर देंगे। फिर मिक्स टूल्स में जाएंगे और जो ये रेड कलर जो है फेस का, इसे हम थोड़ा सा कम कर लेंगे सैचुरेशन। और जो मेन फेस का कलर है वो है ऑरेंज, तो इसकी लोमिनेंस को थोड़ा हम इस तरह से बढ़ाएंगे और सैचुरेशन को हम इस तरह से कम कर देंगे इसका। तो गाइस कम करने के बाद गाइस अब देखेंगे इसके जो पैंट का कलर है इसे थोड़ा डार्क रखेंगे हम। तो गाइस इसके लुमिनेंस को भी बढ़ाएंगे, सैचुरेशन को बढ़ाएंगे और उसका ह्यू को भी थोड़ा सा इधर उधर छेड़ेंगे। तो गाइस इस तरह से यहाँ से हम डन कर देंगे। डन करने के बाद गाइस इसका हम इसका जो सैचुरेशन है इसको हम थोड़ा बढ़ाएंगे इस तरह से। और इसके फिर इसके नीचे वाले टूल्स में जाएंगे और जहाँ से हम इसके टेक्स्चर को थोड़ा बढ़ा देंगे, फिर क्लैरिटी को भी थोड़ा बढ़ाएंगे, फिर DH को बिना टच किए विगनेट को थोड़ा सा इस तरह से कम कर देंगे, फिर फेदर फुल कर देंगे और मिड पॉइंट जो है उसे हम थोड़ा कम कर देंगे इस तरह से भाई गाइस। तो फिर हम इसके नीचे वाले टूल्स में जाएंगे, फिर शार्पिंग को थोड़ा इस तरह से बढ़ाएंगे। शार्पिंग बढ़ाने के बाद गाइस हम डिटेल फुल कर देंगे, फिर नॉइस रिडक्शन को थोड़ा बढ़ा देंगे जिससे हमारा जो चेहरा है वो स्मूथ हो जाए। फिर डिटेल फुल कर देंगे, फिर कलर नॉइस रिडक्शन बढ़ा देंगे, फिर डिटेल भी फुल कर देंगे और स्मूथनेस भी फुल कर देंगे। तो गाइस ये सब करने के बाद फिर हम सिलेक्टेड टूल्स में जाएंगे। सिलेक्टेड टूल्स में जाने के बाद यहाँ से हम स्क्वायर वाला सिलेक्ट करेंगे और हमें साइड से थोड़ा हमें इस तरह से
एक्सपोजर जो है उससे हम कम कर देंगे। कम करने के बाद गैस हम से इसके कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा इस तरह से बढ़ा देंगे। बढ़ाने के बाद गैस हम यहाँ से डन कर देंगे। तो गैस आप देख सकते हो कि ये पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में कुछ इस तरह से थी, अब ये लाइटरूम एप्लीकेशन में इस तरह से है। तो गैस अब हमारा जो फोटो है वो पूरी तरह से तैयार हो रखी है गैस बन के। तो गैस अब हम इसे फुल HD में सेव करने के लिए पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में लेकर जाएंगे। तो यहाँ से लेकर जाएंगे पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में। तो गाइस एक बार हम फिर से पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में वापस आ चुके हैं। तो फिर से हम यहाँ पे अपना फ़ोटो का लोगो लगाएंगे, फोटो में लोगो लगाएंगे। मैं उल्टे कह रहा था, हो जाता कई बार। तो इस वाले लोगो को ऐड करके हम इसे नीचे तो साइड से नीचे में इस तरह से लगा देंगे, इस तरह से। अरे ये छोटा हो गया, थोड़ा छोटा लग रहा है। तो गाइस यहाँ से लगा के यहाँ से डन कर देंगे। तो गाइस हमारा फ़ोटो का कॉन्सेप्ट जो है वो तैयार हो गया है। अब यहाँ से डो टूल में जाके आराम से हम यहाँ पे सेव कर देंगे।